ऐसा कोई बोलता है क्या? वो बेचारा बता रहा था कि पिछले 4 महीने से हम नली के जरिए उन्हें खाना खिला रहे थे, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि बाखरवाड़ी का चूरा बना के खिलाया क्या? इतना जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, जगह तो देखिए आप। और आपने ये तो बोला था ना कि आप वो बेटे नहीं है जो हमें चाहिए। हाँ, क्या लगेगा उनको, क्या लगेगा जैसे हम गोद लेने के लिए बेटा ढूंढने के लिए निकले हो। देखा देखा प्रभाकर दादा, झगड़ा करने में अन्ना महेंद्र भाव एक हुए, सॉरी दाल समंदर एक हुए, सॉरी सॉरी हाथी बंदर एक हुए, हाथी बंदर नहीं बंदर बंदर एक हुए। महेंद्र भाव, ओ महेंद्र भाव, आपका फोन बज रहा है। हाँ हाँ सुना मैंने, उठा रहा हूँ। झगड़े में से फुर्सत मिलेगी तो उठाएंगे ना। अब आप क्यों इतने जोर से बोल रहे हैं? हेलो 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 महेंद्र, मैं उर्मिला बोल रही हूँ। क्या मिला हूँ? अरे उर्मिला आपकी पत्नी। सांप की चटनी बोल रही हूँ? सांप की चटनी? आपकी पत्नी बोल रही हूँ ऐसा बोला होगा। सांप की चटनी होती है क्या? और अगर होगी भी सांप की चटनी तो क्या वो बोलेगी? आपको है ना फोन पे हमेशा उल्टा सुनाई देता है, मुझे दीजिए फोन। हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ अन्ना भाई, मैं उर्मिला बोल रही हूँ। देखा आपकी पत्नी ही बोल रही है उर्मिला बहन। बोलो उर्मिला बहन। अभी सुनिए ध्यान से, वो जो ग्राहक था ना, ग्राहक जिसके पिताजी हमारी भाकरवाड़ी खा के स्वर्ग सिधार गए, वो मिल गया है। पता चल गया है? परमेश्वरा, क्या 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 नाम क्या है उसका? हाँ नाम ने, बाप रे बाप, वो नाम है ना वो उसका अपना, एक सेकंड ना, एक मिनट, क्या नाम था उसका? अरे मुझे पूछ क्या रही हो, मुझे बताओ नाम क्या था वो। अरे एक मिनट पढ़ावे। हाँ चित्रंजन। चित्रंजन लिख लिख। नहीं नहीं रंजन। रंजन नहीं, रंजन नहीं, खंजन, मंजन नहीं, रंजन मंजन खंजन अंजन अंजन रंजन अंजन या खंजन। नहीं नहीं वो एक्चुअली पराग। अभी पराग बोल रही अन्ना भाई, मुझे दीजिए फोन। नहीं नहीं नहीं, तो फिर स्पीकर पे रखिए। हेलो। हाँ हेलो हेलो, वो आप लोग है ना आपस में झगड़िएगा बाद में, अभी मैं जो बोल रही हूँ उसको पहले ध्यान से सुनिए। अभी वो जो अपना फोन इधर भूल के गया था और लेके गया ना इधर आके, उसका नाम नहीं याद है मुझे, लेकिन मुझे उसका एड्रेस मुंह जुबानी याद है। क्या औरत है आपकी पत्नी, नाम याद नहीं है और एड्रेस पूरा मालूम है। अन्ना भाई शांति रखिए ना। हेलो हेलो। हाँ उर्मिला बोल, एड्रेस बोल फटाफट। हाँ लिखो लिखो, 12 मंगलमय नगर, जंगल में मगर, मतलब यही है अन्ना भाई, यही है जो आपके पैकेट में हमारी चाइनीज भाकरवड़ी लेकर गया था। शाबाश शाबाश, लेकिन आप थोड़ा शांत रहिए, घर में मृत्यु हुई है। हाँ हाँ, क्या जोर जोर से बोल रहे हैं आप? जी नमस्ते, आइए बैठिए, आइए बैठिए। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? निरंजन। निरंजन, सुना महेंद्र भाव और उर्मिला बहन क्या बोल रही थी? वो चित्रंजन खंजन अनजन मंजन, जबकि इसका नाम। अभी आप शांत रहिए। अब मैं शांत ही हूँ। निरंजन बेटा, क्या हुआ था तेरे पिताजी को? कुछ नहीं, पिताजी की किडनी फेल थी, फिर फेफड़ों में पानी भर गया, लिवर पे थोड़ी सी सूजन भी आ गई थी, और फिर उन्हें डेंगू हो गया टाइफाइड के साथ। इतना कुछ हो गया तो कुछ नहीं क्या बोल रहे हो? नहीं मतलब इन चीजों के अलावा कुछ नहीं हुआ था, है ना निरंजन? हाँ हाँ हाँ, बाकरवड़ी खाई और चल बसे। वाह ऐसा बोल के। वो हमारी चाइनीज भाकरवड़ी खा के वाह बोले? हाँ हाँ। अरे क्या क्या? हाँ वो ऐसा बोल के गुजर गए होंगे। नहीं वो वाह ही बोले थे। अरे
तेरे पिताजी हमारे गोखले बंदू की बाकरवड़ी के चाहक थे, तो इनकी चाइनीज बाकरवड़ी खा के वाह थोड़ी ना बोलेंगे, वो आह ही बोले होंगे गुजरने से पहले। नहीं नहीं या नहीं, मुझे ज्यादा पता या तुझे पता? मुझे पता, वो मेरे पिताजी थे। शांति से मुस्कुराते हुए चल बसे आपकी बाकरवड़ी खा के। सुना सुना आपने? नहीं सीधा क्या सुना, इसने ठीक से नहीं सुना होगा, इधर उधर भटक रहा होगा, पिताजी जब आखिरी सांसें ले रहे होंगे तभी, और उन्होंने वाह भी नहीं बोला होगा, आह भी नहीं बोला होगा, उन्होंने ऐसा करके तभी तो उनकी आत्मा भटक रही है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूँ बाड़ा, तेरे पिताजी की आत्मा सचमुच में भटक रही है, मेरे सपने में आई थी और श्राप दिया था कि मेरे बेटे की सगाई में बाधाएं डालेंगे वो। अच्छा सुन, निरंजन बेटा, हमारे गोखले बंधु की बाकरवड़ी अपने हाथों से एक कौवे को खिलाएगा तू? खिलाएगा बाड़ा? हाँ। हाय। हाँ बोल अमोल। अन्ना मर गए। क्या? अरे भाई 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 क्या हुआ उनको? क्या बोल रहे हैं आप अमोल भाऊजी? मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद अन्ना बोले। क्या बकवास कर रहा है तू अमोल? हाँ, अन्ना ने खुद अभी फोन पे मुझे बताया कि वो मर गए। वो फोन पे है? हाँ, मैंने पूछा अन्ना आप अन्ना हो, तो उन्होंने बोला नहीं मैं अन्ना का भूत हूँ, और भूत तो मरने के बाद ही बनते हैं ना। शे पेड़ा इसका तू, फोन दे मुझे दे। आहो मैं शांत ही हूँ, और घर पे आके अमोल को दो झापट लगाने के बाद और भी शांत हो जाऊंगा। वो सब छोड़ो, मेरी बात सुनो जोत्सना, वो आदमी मिल गया मरे हुए बाप वाला, निरंजन नाम है उसका, मराठी नाम, और उसके पिताजी की आत्मा तक हमारी मराठी बाकरवड़ी पहुंच भी गई कौवे के जरिए। ठीक, अभी अभिषेक की सगाई में कोई भी बाधा ये नहीं आएगी। भाई 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 सासु भाई, ये देखिए कंगन, अरे कंगन मिल गए। तो ना कंगन सापड़ ले। परमेश्वरा जोसरा, वो मुझे दिखा ना, घर पे आके ना मुझे वो दिखा ना। अरे निरंजन, महेंद्र भाऊ, केशव विशव प्रभाकर, कंगन मिल गए। ए निरंजन देखा, तेरे पिताजी की आत्मा भटक ही रही थी इनकी बाकरवड़ी खा करके, जो अब जाके शांत हुई है, समझा ना? ये कंगन तो मैंने ही फ्रिज में रखे थे, मैंने रखे थे भाई। अरे क्यों? क्यों क्या क्यों, एक मिनट, ये केसर की डिब्बी है ना, केसर की डिब्बी है ना, वो मैंने बाहर रख दी थी, तो आपने क्या बोला था, अमोल ये केसर की डिब्बी है, बहुत महंगी चीज है, इसको फ्रिज में रखना चाहिए नहीं तो खराब हो जाएगी। हाँ तो क्या, ये कंगन भी तो एकदम महंगी चीज है, सस्ती चीज थोड़ी है, शह, इसलिए मैंने इसको संभाल के फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि कोई भी महंगी चीज होती है ना उसको संभाल के फ्रिज में रखना चाहिए, मालूम? अब देखो काक का बैठना और डाल का टूटना, अब तेरे अन्ना तो यही समझेंगे कौवे ने बाकरवड़ी मरे हुए आजोबा की आत्मा को खिला दी, इसलिए कंगन वापस मिल गए। अब हम भी ये बात यही खत्म करते हैं उनके विश्वास को कबूल करते हुए, ठीक है? हाँ।